डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन होने के बाद ऊपर सर्च के ऑप्शन में पैन लिखें और एंटर प्रेस करें। अब पैन कार्ड केवाईसी सर्विस यूटीआई के नीचे क्लिक हियर पर क्लिक करें। क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करें। पैन पोर्टल में लॉगिन होने के बाद न्यू पैन कार्ड और करेक्शन पैन कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। हम नया पैन कार्ड बनाने की प्रोसेस देखते हैं। तो अप्लाई न्यू पैन कार्ड के ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक फिजिकल पैन कार्ड और एक डिजिटल पैन कार्ड। हम आधार बेज पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो हम डिजिटल मोड पर क्लिक करेंगे। NRI के ऑप्शन में नो सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड मोड में बोथ फिजिकल पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे, जिससे पैन कार्ड कस्टमर के ईमेल पर और कस्टमर के घर पर भी आएगा। यहाँ पर सारी डिटेल हमें आधार कार्ड के मुताबिक भरनी है, तो आधार कार्ड में जिस तरह का नाम है इस तरह से नाम यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम हम लिखेंगे। जिस तरह का नाम हमें पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना है उस तरह से हम सरनेम को आगे पीछे करके यहाँ लिख सकते हैं। हमारा कोई दूसरा नाम है तो नीचे के ऑप्शन में यस करें या फिर नो कर देना है। ऊपर टाइटल जैसा सिलेक्ट करेंगे वैसे नीचे जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आधार कार्ड के मुताबिक बर्थ डेट हमें सिलेक्ट करनी है। नीचे के ऑप्शन में हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सभी डिटेल ऑटोमेटिक भरा हुआ रहेगा। अब आधार कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे, फिर साइट पर क्लिक करने से फिर से आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार नंबर मैच हो जाएगा तब ओके होगा। उसके बाद आधार कार्ड में जिस तरह का नाम लिखा है वैसा ही नाम हम यहां पर लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। यहां पर डॉक्यूमेंट ऑटो सिलेक्ट होंगे, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, तो सीधा मेक ए पेमेंट पर क्लिक करें। आप देख सकते हो यहाँ पर 99 रुपये हमारे वॉलेट में से कटेंगे, तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड और वॉलेट पिन दर्ज करके CSC के वॉलेट में से पैसे कट होंगे। यहाँ पर ISD कोड में इंडिया सिलेक्ट करें, एरिया का STD कोड लिखना हो तो लिख सकते हो। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखे, नीचे कस्टमर की ईमेल ID लिखे, जिसमें 1 से लेकर 3 दिनों में कस्टमर के ईमेल में ई पैन कार्ड की कॉपी ईमेल में आएगी। आपकी माताजी आपकी सिंगल पेरेंट है और केवल आप अपनी माताजी का नाम देकर आवेदन करना चाहते हो तो यस करें, नहीं तो नो करें। नीचे पिताजी का सरनेम, पिताजी का नाम और पिताजी के पिताजी का नाम दर्ज करें। पैन कार्ड पर पिताजी का नाम या माताजी का नाम जो प्रिंट करवाना है उसे सिलेक्ट करें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो हम OTP से प्रक्रिया कर सकते हैं, और अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं तो हम बायोमेट्रिक के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिंगरप्रिंट डिवाइस के ड्राइवर रेडी है तो कैप्चर के बटन पर क्लिक करें और कस्टमर की फिंगर स्कैन करें। फिंगर स्कैन करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर दे। यहाँ आधार कार्ड के मुताबिक ऑटोमेटिक आधार कार्ड का पूरा एड्रेस आपको दिखेगा। नीचे सोर्स ऑफ इनकम में कस्टमर की इनकम का सोर्स सेलेक्ट करें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दे। AO कोड की डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, जिसमें सारे कोड ऑटो फिल होंगे। नीचे का ऑप्शन सिलेक्ट कैपेसिटी में हिमसेल्फ हेयर सेल्फ को सिलेक्ट करना है। वेरिफिकेशन प्लेस में हमारे शहर या गांव का नाम लिखना है जहां से सेंटर चला रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। हम आधार बेस पैन कार्ड बना रहे हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स में ऑटो मोड में आधार कार्ड सिलेक्ट रहेगा। नीचे सबमिट पे क्लिक करें। अब ई साइन के लिए हम दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट होंगे, जिसमें हमें कस्टमर का आधार नंबर दर्ज करना है और डिस्कवर बायोमेट्रिक डिवाइस पे
क्लिक करना है और कैप्चर के बटन पर क्लिक करके कस्टमर की फिंगर स्कैन करनी है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर दे। आपकी पैन कार्ड एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। आप साइंड फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और रिसिप्ट की प्रिंट निकाल सकते हैं। ई पैन कार्ड 1 से लेकर 3 दिन में कस्टमर के ईमेल में आ जाएगा और 10 से 15 दिन में फिजिकल पैन कार्ड कस्टमर के घर पर पहुंच जाएगा। इस तरह से आप कस्टमर का पैन कार्ड नया और पैन कार्ड अपडेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।